तरीका यूट्यूब पे है ये फ्रेंड, यूट्यूब पे है ये, मैं आपको सर्च करके दिखाया था। तो यहाँ पे जिसने लिखा हुआ रहा है एवरीवन, तो आ गया मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब हैंडल का कोई मेल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई यूट्यूब हैंडल का मेल नहीं आया तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने यूट्यूब पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, YouTube पे जाने के बाद में अब यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू एनेबल YouTube हैंड पे। सर्च करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो आ चुका है। उसके बाद में और स्क्रॉल करना है, आपको स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं फाइंड यूअर चैनल्स यूज़र आईडी, चैनल आईडी साइनिंग इन टू यूट्यूब इन द टॉप राइट क्लिक यूआर प्रोफाइल पिक्चर एंड देन सेटिंग्स सेटिंग्स फ्रॉम द लेफ्ट मेनू। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे अभी छोड़ता हूँ मैं, अपने पहले क्रोम ब्राउजर पे दिखा देता हूँ फ्रेंड। अपने क्रोम ब्राउजर पे सिंपली इस तरह का आपको आना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे अपने आना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करना क्या है फ्रेंड। अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग गलत तरीका भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई मेल क्यों नहीं आया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पर सर्च करना है फ्रेंड youtube.com/handle। फ्रेंड यहाँ पर लिख देना इस तरह का youtube.com/handle, यहाँ पर जैसे लिख के आ रहा है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना सिंपली इस तरह का। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है टू क्लेम यू आर अ हैंडल प्लीज़ विजिट द यूट्यूब ऐप और गो टू youtube.com हैंडल ऑन ये कंप्यूटर। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है ऑन ऐप, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे आप तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ अक्सर के सपोर्ट हैंडल्स विल बी रोलिंग आउट सून, विल नोटिफाई यू व्हेन यू कैन चॉइस यूआरस। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कट करना है। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे राइट साइड में थ्री डॉट, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है डेस्कटॉप साइड, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ धीरे धीरे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप साइड में करेंगे तो। यहाँ पे भी वही लिखा है हैंडल्स विल बी रोलिंग आउट सून, वी नोटिफाई यू व्हेन यू कैन चॉइस यूआरएस। तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ रहा है और नीचे आएंगे तो व्हाट इज यूट्यूब हैंडल, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ रहा है हैंडल्स चैनल यू आर एल्स। यहाँ पे देखते हैं यू आर एल्स जो होता है वही इंपॉर्टेंट है हैंडल के लिए। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ रहा है यू आर एक्सचेंज चैनल्स यू आर एल्स विल कंटेंट टू वर्क, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में और नीचे आएंगे तो इसी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ हैंडल्स विल वी रोलिंग, इसका मतलब क्या है फ्रेंड मैं आपको हिंदी में बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब ये है कि हैंडल्स विल बी रोलिंग, हैंडल जल्द ही रोल अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं आउट सून विल नोटिफाई, जब आप अपना चयन कर सकते हैं तो हम आपको सूचित करेंगे। मतलब आपको जब मिलना रहेगा ये यूट्यूब हैंडल मेल आएगा तो वहाँ पे एक सूचित मिलेगा, मतलब मेल आ जाएगा जब आपको हैंडल बनाने का वो आएगा नोटिफाई आपको मिलेगा तो आपके वीडियो आपके ईमेल पर एक मेल आएगा YouTube का। और मेल नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ये जो बना है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपका जो कस्टम URL बना है उसी का ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपके ईमेल पर कोई मेल भी नहीं आएगा, फिर भी YouTube ऑटोमेटिक आपके चैनल का जो है हैंडल रख देगा। मतलब इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के ईमेल पर नहीं आई है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कुछ ही दिन में आ जाएगी। यहाँ पर जैसे YouTube साफ साफ लिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडल्स विल बी रोलिंग आउट सून यहाँ पर, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बताते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ YouTube पर जाके, जैसा कि फॉर एग्जांपल YouTube पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने भी सर्च किया था हाउ टू एनेबल YouTube हैंडल। सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे साइनिंग कर लो यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली तरीका। YouTube पे है ये फ्रेंड, YouTube पे है ये, मैं आपको सर्च करके दिखाया था। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रहा है हैंडल्स ओवरव्यू हैंडल्स एक्सेस
इज रोलिंग आउट ओवर द कमिंग वीक्स. यू विल बी नोटिफाइड इन यूट्यूब स्टूडियो एंड वी ईमेल विन यू कैन चॉइस. मतलब ये कुछ ही दिन में आपको YT स्टूडियो में इसका ऑप्शन दे देगा या तो फिर आपको एक ईमेल भेज देगा. मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे ईमेल पर कोई मेल नहीं आया तो इससे बहुत घबराने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है. बस कुछ ही दिन में YouTube बता रहा है कि सबको मिल जाएगा. यहाँ पर जैसे हैव ये पर्सनल URL द यूनिक पार्ट ऑफ द URL विल बिकम यूआर हैंडल इफ यू डोंट हैव ये प्रोसेसिंग URL और यू वांट. मतलब अगर आपका URL बना हुआ है ऑलरेडी तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर नहीं बना है फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. यहाँ पर जैसे बहुत सारा कुछ उसी के बारे में बताया हुआ है. तो ये कुछ ही दिन में सबके ईमेल पर आएगा. अगर नहीं आएगा तो YT स्टूडियो में सबके शो करेगा, चाहे उनका 0 सब्सक्राइबर रहेगा, 5 सब्सक्राइबर रहेगा, फिर भी. लेकिन ये कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ये इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और कोई गलत तरीका यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा. कोई भी बता देता है ऐसा कर लो, यहाँ से YouTube हैंडल बन जाएगा तो वहाँ पर आपका चैनल हैक भी हो सकता है. तो इसकी वजह से किसी भी अदर वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है, मेरा यही सजेशन है. आप लोगों का क्वेश्चन था, इसकी वजह से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वीडियो बना दिया, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप किसी गलत तरीके में ना जाएं. दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे. आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड.